गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री श्याम। निशा वर्मा, सोमेश्वरी साहू, प्रिंस पिंटू। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्रकाश जोशी, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? क्लास स्टार्ट हो गई है, अब एक बार जल्दी से आपको क्या करना है, शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा आलिया रोजी, सुशील, पम्मी, अनंत, सोनू, सोनल गौतम, पिंटू, मनीष। हाँ जी बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिए बेटा जल्दी से। मैं बढ़िया हूं। राधे राधे बेटा, शिव शक्ति, अभिजीत, गुड मॉर्निंग। सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल भी नहीं बनता, सब बनेगा, सब बनेगा। चलिए स्टार्ट करें फिर। तो 40 तक हमारे हो गए थे। थैंक यू बेटा शिवम। अभी देखना आपको जब थ्योरी पढ़ाएंगे ना, कब जब कंटेंट, तो पता चलेगा। अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो कल 40 तक हमारे हो गए थे, 40 तक हो गए थे हमारे क्वेश्चन। तो 41 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन। हाँ शेयर कीजिए बेटा। ओ विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पिंटू। वेलकम बेटा मानक, कॉन्ग्रेचुलेशन। देख रहे हो बच्चों, ये कमेंट आपके सामने ही आ रहे, सीटेट में सब आपके नोट से आ रहा है। थैंक सर। वेलकम बेटा अशरफ, कल आग लगा दी, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ आंसर बताइए, 41 का क्या आंसर होगा? हाँ जी 41 का आंसर क्या होगा बेटा? द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए मिरर। क्या होता है बेटा? जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है? आर बाई टू। क्या होती है? आर बाई टू। तो देखिए एफ इक्वल टू आर बाई टू है कहीं, ये आपको दे रखा है बेटा आर इक्वल टू टू एफ की फॉर्म में। आर इक्वल टू टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ, ऑप्शन इक्वल टू हो गया आपका सी, ठीक है। ग्रुप डी हो जाएगा बेटा, आप जुड़े रहिए विश्वास करके। अब बताइए द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, वही क्वेश्चन है अभी हमने निकाला था बेटा। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यही वो आपसे पूछ रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डबल तो नहीं होती, थ्री टाइम्स भी नहीं होती, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, If an object is placed 10 centimeter away from a convex mirror, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर पर रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस आपको दे रखा, what will be its magnification? इसकी मैग्निफिकेशन बताइए बेटा क्या आएगी? बताइए मैग्निफिकेशन, बताइए इसकी क्या आएगी? अब देखना जो आंसर आएगा वो आंसर देना, ये चेक करना कि वो इस ऑप्शन में है भी या नहीं। कहाँ रह गए यार सारे बच्चे? वही है ना, जब तैयारी, जो वैसे तो बच्चे बोलते रहते हैं सर प्रैक्टिस कराओ प्रैक्टिस कराओ प्रैक्टिस कराओ, और जब प्रैक्टिस कराते हैं तो एक दो दिन आते हैं फिर बेहोश। ऐसा क्यों होता है?
ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा प्रकाश जोशी, क्योंकि स्टार्टिंग में जोश होता है, थोड़े दिन बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। हाँ जी, इसका आंसर होता है, विजेंद्र ने बताया बेटा ए आंसर होगा, पम्मी ने बताया सी होगा। इसको कैलकुलेट करना है, लगता है मैंने भी शेयर नहीं किया आज तो, है ना। कोई नहीं, वैसे निकालिए बेटा इसका आंसर निकालिए। चलिए बेटा बताइए। हाँ जी, कोई नहीं, हो जाएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिए। अब वो कह रहा है पहले तो आप ये देखा करो मिरर कौन सा है। अब की बार मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा आपका क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव रहेगा ये। अब कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा आपको, 5/2, ठीक है, यानी कि आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको मैग्निफिकेशन पूछी है, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है -V/U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U। तो यानी कि इसके लिए आपको V निकालना पड़ेगा, तो लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, 1/F = 1/V + 1/U, ये हो जाएगा आपका मिरर फॉर्मूला। तो यहां से फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/2.5, ठीक है, 1/V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है प्लस 1/-10। तो यहां से अगर हम सोल्व करें तो यहां से 1/V कितना आ जाएगा, 1/2.5। ये वैल्यू इधर आकर बेटा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये माइनस में थी इधर प्लस हो जाएगी। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 12.5/25, पॉइंट को हटा लीजिए 10 आ जाएगा। तो ये 25, ये 5 पर कैंसिल आउट होगा, ये 5 2, यानी कि यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। v की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, और आपको पता है इसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, हमेशा इसके अंदर जो आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाता है ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है ना, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल कहां होती है, मिरर के अंदर बनती है। तो जो तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो पोल से उस तरफ होगा। तो यानी कि मैग्निफिकेशन आ गई आपकी 2, सॉरी ये आ गई वैल्यू 2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, -10। तो ये आंसर क्या आ गया, 0.2, क्या आंसर आ जाएगा, 0.2, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो यानी कि इसमें कहीं ये ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0.2। 0.1 कैसे आ गया, देखिए बेटा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के सामने है, ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहां से वी की वैल्यू आएगी आपके 2, ठीक है ना। 0.1 कैसे आ रहा बेटा, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो आप देख लेना, तरीका ये होता है इसको सोल्व करने का, ठीक है ना। बेटा टाइमिंग दो टाइम चलती है, अब 11 से 12 भी चलती है, ठीक है ना। और आपकी दो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं ना आपको, ठीक है ना। तो आंसर इसका 0.2 ही आएगा, आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये तो पेपर में मिस प्रिंट हो गया होगा, इसको 0.2 कर लीजिए फिर, ठीक है ना।
ठीक है, आंसर आपका पॉइंट टू आएगा। अब आगे देखते हैं, दो टाइम चलती है बेटा, इवनिंग में भी होती है और इस टाइम भी होती है। चलिए, इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंस मिरर। आपको बताना है इनमें से कौन सा मिरर होगा जो कन्वर्जेंस होगा, जो कन्वर्ज कराएगा। बताइए इनमें से कौन सा मिरर होगा जो कन्वर्जेंस मिरर होगा। बताइए जल्दी। हाँ, कौन सा मिरर होता है बेटा जो कन्वर्जिंग होता है, रेज को जो कन्वर्ज करता है, कौन सा होता है आपका? कॉनकेव मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। जितने भी पैरेलल रेज आएंगी ये क्या करता है, इनको कन्वर्ज करता है। जितने भी पैरेलल रेज आएंगी क्या करेगा, उनको कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पर इकट्ठा करेगा। ठीक है, रात को ही क्लास रखें, अब ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम बच्चे नहीं आते, ठीक है ना, शाम को ही बच्चे आते हैं, तो उस हिसाब से रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इक्वेशन। आपको बताना है मिरर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे आ जाएंगे क्योंकि सिलेबस भी तो करना है। बताइए, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी मिरर के इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम द पोल एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इस इक्वेशन की कोई सेंस बनती है? वो कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वली स्पेस, उसकी दूरी बराबर होगी किससे, पोल ऑफ द मिरर से, तो ठीक है बराबर होगी। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ऑल डिस्टेंसेज मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द मिरर पोल। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं बेटा पोल से मेजर किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल रेज विल डेविएट ऑन द पोल, नहीं बेटा सारी रेज पोल पर कहां गिरती है। पोल एंड फोकस आर एट द सेम पॉइंट, पोल और फोकस सेम पॉइंट पर होते हैं, नहीं होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, एक कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, ये बड़ी, ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर आपसे जानना चाहते हैं। बताइए, आज बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कभी एक बार बताओ। हाँ, इवनिंग में सब फ्री होते हैं। चलिए कोई नहीं, बताइए आंसर, बताइए। कोई नहीं बेटा, इवनिंग में तो रहेगी रहेगी, आज मेरी ही क्लास होगी इवनिंग में भी, ठीक है ना। चलिए आंसर बताइए। राहुल ने कहा ए, उत्तम ने कहा ए, बाकी बच्चे। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है बेटा मिरर, इसमें क्या बोल रहा है बेटा मिरर, और जो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना, मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर यहां पर लेंस होता ना तो सोचना पड़ता, ठीक है ना। तो मिरर के केस में, आप मिरर के केस में जो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। हाँ, अगर लेंस हो जाता तो फिर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते, ठीक है ना, उससे निकालते। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस पढ़ने में मिस्टेक, अगर पढ़ने में मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपने देखना मिरर में आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन होता हमेशा लेंस का, ठीक है ना, क्योंकि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन, द मिरर ऑलवेज, हाँ ये वो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि उसने तो जो ग्रुप डी में जो ये क्वेश्चन पूछा है उसने तो उस हिसाब से नहीं पूछा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, द मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो मिरर जो है इनमें से बताना कौन सा मिरर है वो इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, दैट इज, अच्छा ये तो सिंपल ही, ऑब्जेक्ट दैट इज वर्चुअल, दैट इज वर्चुअल लार्ज एंड ऑफ इक्वल साइज। द मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज वर्चुअल लार्ज एंड ऑफ इक्वल साइज। इस क्वेश्चन के दो मीनिंग हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना,
इस क्वेश्चन के दो मीनिंग हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्लियरिटी नहीं है थोड़ी, ठीक है। वो कह रहा है द मिरर जो करता है वो आपके वो इमेज प्रोड्यूस करता है, द मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज वर्चुअल। अच्छा ये वाला दैट इज है, तो इमेज कैसी, जो मिरर है वो कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, वर्चुअल प्रोड्यूस कर रहा है। कैसी प्रोड्यूस कर रहा है, वर्चुअल प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज प्रोड्यूस कर रहा है एंड ऑफ इक्वल साइज, और इक्वल साइज के भी बना रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, चलिए इसको यहीं कर ही लेते हैं। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट मैं दूसरा एक चीज और भी स्टेटमेंट हो सकती थी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा वो कह रहा है दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो आभासी बड़ा और समान आकार का होता है, ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब होता है बेटा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है ना, लार्ज होगा और इक्वल साइज का भी होगा। बताइए एक बात बताओ, सुनो, अब ये जो वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल और लार्ज इमेज, अगर आप बोल रहे हो प्लेन मिरर, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा यही दिक्कत है। अब लार्ज इमेज भी बन रहा है और इक्वल साइज का भी, अगर लार्ज इमेज वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल और लार्ज ये कौन बनाता है, ये बनाता है आपका कॉनकेव। अगर आपको कहां रख दोगे ऑब्जेक्ट को, कहां रख दोगे अगर आप ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे बेटा, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज आपकी वर्चुअल मिलेगी, लार्ज मिलेगी। अब वो कह रहा है इक्वल साइज की, ये साइज इक्वल साइज की ना बोलकर, अब ये इक्वल साइज की कैसे हो सकती है, ठीक है ना, इक्वल अगर देखो लार्ज है तो इक्वल साइज कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफरेंट टाइप का है। तो अगर आप इसको इन ऑप्शंस को लेके देखें तो एक बात बताइए, वो कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, लार्ज इमेज भी बनाता है, इक्वल साइज भी बनाता है, ये तीनों कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई होंगे, कॉनकेव के लिए सेटिस्फाई होंगे ना, ये तीनों कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई होंगे, कॉनकेव के लिए सेटिस्फाई होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कॉनकेव, ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, कॉनकेव। वो कह रहा है कि दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो जो प्रतिबिंब दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब कैसा बेटा, आभासी है, बड़ा है और समान आकार का है। प्रतिबिंब आभासी तो है ही, बड़ा भी है और समान आकार का भी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन किसकी होंगे बेटा, कॉनकेव होगी, ठीक है, तो ये मैंने बता रखा, ठीक है। चलिए बेटा आगे, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो एक कर्व्ड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड साइड, आपको बताना है वो कौन सा मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, वो अंदर की तरफ होता है। बताइए, ठीक है ना। हाँ तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अब उसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। सर आप कभी गुस्सा नहीं होते, हमेशा कूल रहते हैं कैसे, चलिए छोड़िए। वो कह रहा है कर्व्ड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां से रिफ्लेक्शन होना है, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है बेटा, यहां पर रिफ्लेक्शन होना है, तो ये इस तरफ से कर्व्ड है, जहां से रिफ्लेक्शन होना है यहां से कर्व्ड है। तो ये जो मिरर है कौन सा होता है आपका, कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं, तो हमने कल भी किया था, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी पोल ऑफ द मिरर, क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी पोल ऑफ द मिरर। चलिए इफ यू लुक इनटू ए मिरर, If you look into a mirror and find that the image is smaller than you, बताइए कौन सा मिरर होगा। D, सभी बच्चे कह रहे हैं D,
ठीक है, वो कह रहा है अगर आप मिरर में देखते हो तो आपको जो इमेज दिखती है द इमेज इज स्मॉलर देन यू, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज आती है वो छोटी आती है, तो कौन सा इमेज है बेटा जो छोटी इमेज बनाता है आपका, ठीक है, उसने पोजीशन तो बना नहीं रखी, छोटी इमेज हमेशा कौन सा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, कौन सा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्वेक्स मिरर, छोटा प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। नमस्कार एलरिक राणा, बताइए शेयर कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए इसको जल्दी, क्या आंसर दे रहे हैं डी। चलिए बी, बेटा स्फेरिकल मिरर किस पर काम करते हैं, ये रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं, किस पर काम करते हैं रिफ्लेक्शन पर, ठीक है देखा हुआ है, और ये जो स्कैटरिंग रिफ्रैक्शन इस पर कौन काम करते हैं बेसिकली, ये आपके लेंसेज होते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि आप देखते भी हो मिरर के अंदर, जैसे प्लेन मिरर भी है, लाइट रे आई उस जिस मीडियम में लाइट रे आ रही है उसी में वापस जाएगी, तो मिरर का जो कॉन्सेप्ट है ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कुछ ने कहा, गुलाब ने कहा सी, राज ने कहा डी, संदीप डी, हाँ नारायण यादव, बेटा रेगुलर यूट्यूब पर मॉर्निंग में टाइमिंग होती है 11 से 12 और इवनिंग में होती है 8 से 9, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, नहीं बेटा रेडियस कहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये तो फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ ऑफ द फोकल लेंथ, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 times, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2x ऑफ फोकल लेंथ, क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कितने रिपीट होते हैं रेलवे में क्वेश्चन, बताइए मिरर फॉर्मूला क्या है, ये तो बता ही दोगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या है, हाँ गौरव बेटा डेली क्लास होगी मॉर्निंग में 11 से 12, इसे बच्चों को पता नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने सोचा बस कल कल हुई होगी, डेली 11 से 12 होगी और इवनिंग में 8 से 9, ठीक है ना, संडे को मैराथन आपको पता ही है। 1/F, क्या आंसर दे रहे हो बेटा सी डी, देखिए 1/F, देखिए पीछे 1/F होगा, 1/F इक्वल टू 1/V + 1/U, ये होता है मिरर फॉर्मूला ऑप्शन सी, क्या होगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है ना, 1/F = 1/U + 1/V, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा नीलम, ठीक है, अच्छा कल का आपको भी मालूम नहीं था, हाँ तो अब ध्यान रखना, अब यही 2 timing रहेंगी। चलिए, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड द, ठीक है ना, बताइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या बोलते हैं हम, ये आपका जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो सेंटर होता है ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये क्या कहलाएगा बेटा पोल कहलाएगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम पोल बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर फॉर द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू इन द व्हीकल्स, इन छोटे छोटे इजी क्वेश्चन के बीच क्या आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और वही क्वेश्चन जो बच्चा करता है अगर उसकी गलती से वो क्वेश्चन आगे पेपर में आ गया तो वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले किया हो, आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको फोकल लेंथ का क्वेश्चन मिला, ठीक है। एस कहां से आ गया बेटा, अच्छा ए, बचारे बच्चे ए, विच मिरर इज रियर व्यू मिरर कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा होगा, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सा मिरर होगा ये, कॉन्वेक्स मिरर होगा, मिरर ही पूछे ना, हाँ कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, जिसका फील्ड ऑफ व्यू भी क्या होता है वाइडर होता है, ठीक है। चलिए सब कराएंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिडेशन का प्रीवियस ईयर भी सब कराएंगे, टेंशन ना ले। बताइए अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये तो बहुत बार हो गया, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा R/2, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा R/2। चलिए
आगे बढ़िए, स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, इसका क्या आंसर दोगे? जिसका जो कर्व्ड सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है, ये कौन सा होगा? इनवर्ड होता तो कौन सा था बेटा? देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इनवर्ड वाला है। अगर ये इनवर्ड है तो इसको क्या बोलते थे हम? कॉनकेव बोलते थे, अवतल बोलते थे। और अगर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब रिफ्लेक्शन जो होना वो यहां पर होना, इस वाले बाहर वाले इस सरफेस पर, इस पर होना रिफ्लेक्शन, तो ये क्या है बेटा? आउटवर्ड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो ये कौन सा मिरर है आपका? ये कॉनवेक्स मिरर है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हुआ तो कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ हुआ तो वो क्या कहलाएगा आपका? कॉनवेक्स मिरर कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉनवेक्स मिरर कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर सी, व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड? अगर वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसको हमने कहां पर रख रखा है? कॉनवेक्स मिरर पर, कॉनवेक्स मिरर पर रख रखा है। किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर, ठीक है ना, कॉनवेक्स मिरर के सामने सी पॉइंट पर रख रखा है। तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल बी मेड, कौन सा मिरर है? ध्यान रखना मिरर है कॉनवेक्स। अब बताइए आंसर क्या होगा? टेलीग्राम आईडी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, आपको ऊपर टैग पिन नहीं दिख रहा टेलीग्राम का लिंक, उस पर क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। क्लिक करते ही आप डायरेक्ट कहां पर ओपन होगे? मेरे ग्रुप में जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। पिंटू ने कहा बी। देखो हमेशा याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, सुन लीजिए मेरी बात, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा। कैसी बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा। अब पोजीशन क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर होगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो इमेज कहां होगी? फोकस पर। ये तो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर बनती है। इसके अलावा आप किसी भी पोजीशन पर रखिए, इन्फिनिटी के अलावा आप किसी भी पोजीशन पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो जो इमेज आपकी बनेगी वो इमेज कहां बनेगी आपकी? पोल ऑफ द मिरर और फोकस ऑफ द मिरर, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और हमेशा कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। इस पॉइंट को याद रखना, दो ही पोजीशन होती है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हुआ तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। और इसके अलावा किसी भी पोजीशन पर रखोगे तो इमेज कौन से दो पॉइंट के बीच में बनेगी? देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहां बनेगी आपकी? हमेशा फोकस पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज हमेशा फोकस। इसके अलावा आप कहीं भी रखिए, जितना आप आगे बढ़ोगे इमेज हमेशा इस तरफ आएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा किसी पॉइंट पर रखा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी बेटा? फोकस और पोल के बीच में बनेगी। कहां बनेगी? फोकस और पोल के बीच में बनेगी। अब देख लीजिए आंसर, एट ऑप्टिकल सेंटर सी, ऑप्टिकल सेंटर पर नहीं बनेगी। ऑप्टिकल सेंटर तो बेटा वैसे भी लेंस में होता है, मिरर में तो होता ही नहीं, तो ये गलत। वर्चुअल हमेशा बनेगी, ठीक है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी और स्मॉल भी होगी, और कहां बनेगी बेटा? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी पर नहीं रखा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। इफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू क्रिएट रिफ्लेक्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, कोई कॉन्वेक्स मिरर है जिसका हम यूज कर रहे हैं टू क्रिएट ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए रियल, कोई मतलब ऑब्जेक्ट आपका रियल है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है ना, वो कह रहा है द इमेज इज रियल। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा, सुन लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा कैसी बनती है बेटा? वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। और ये क्या कह रहा है? इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। तो क्या रियल इमेज बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी इमेज रियल नहीं होगी। ठीक है ना, तो आंसर यही स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। बाकी आप देखोगे इमेज ये स्मॉल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक है ना, इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल बनाता तो इरेक्ट भी होगी, है ना। और देख लीजिए इमेज कहां बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है ना, पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस। बाकी स्टेटमेंट आपकी सारी करेक्ट है। ठीक है, जल्दी से बेटा शेयर कीजिए, आप लोगों में जोश कम दिख रहा है, ऐसे रेलवे पार नहीं होगा। अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं करोगे तो रियल व्यापार कैसे करोगे? चलिए, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कहां करते हैं बताइए? कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर करते हैं? हाँ, ए स्टेटमेंट रॉन्ग था, उसने फॉल्सी पूछा था बेटा आपसे गुलाब। ठीक है ना, फॉल्सी स्टेटमेंट आपसे पूछा था।
कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड। कॉन्वेक्स मिरर का यूज मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर करते हैं, जहां आपको इमेज छोटी चाहिए, लेकिन स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर छोटी चाहिए, तो छोटी इमेज कहां चाहिए आपको, शेविंग मिरर तो कॉनकेव होता है, डेंटिस्ट मिरर भी कॉनकेव होता है, ठीक है, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है ये भी कॉनकेव होता है, रियर व्यू मिरर ये कौन सा होता है आपका, कॉनवेक्स होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, कितनी बार रिपीट हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा ये कहलाएगा पोल, ठीक है ना। देख रहे हो बेसिक बेसिक डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। द इमेज फॉर ए प्लेन मिरर इज, द इमेज फॉर ए प्लेन मिरर इज, द इमेज फॉर ए प्लेन मिरर इज, बताइए, द इमेज फॉर ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर जो होता है कैसी इमेज बनाता है, कल पढ़ चुके हैं आप, आंसर दीजिए इसका। रितु ए, पिंटू सी, चोमेश्वरी साहू डी, बाकी बच्चे संदीप ए, बी, चलिए देखिए, द इमेज फॉर ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर जो होता है ये कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल बनाता है, बिल्कुल बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, बिल्कुल बनाता है, रियल तो ये बनाता ही नहीं, काटिए, वर्चुअल एंड लेटरली वर्टिकल ये तो बनाता ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये आंसर क्या दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो बेटा ये इतने रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज प्लस 15, अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ प्लस 15 है तो ये कौन सा मिरर होगा, ये आपको बताना है, बताइए जल्दी, तो ये कौन सा मिरर होगा, जल्दी बताइए, हाँ बेटा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, पहले पूरा तो होने दीजिए चैप्टर, आज शाम को भी क्लास होगी, मेरी क्लास होगी, ठीक है। उल्टी नहीं बेटा, लेटरली इन्वर्टेड है बेटा, वो राज राठौर वो उल्टी नहीं है, लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब जो राइट हैंड होगा वो आपको लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट दिखेगा, ये मतलब है उसका, ठीक है ना, इन्वर्टेड नहीं कह रहे, लेटरली इन्वर्टेड कह रहे हैं। अगर फोकल लेंथ किसी मिरर की कितनी देर के प्लस 15, तो ये पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन से मिरर की होती है, कॉन्वेक्स मिरर की होती है, ठीक है। चलिए, द शेप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग मिरर व्हेन प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट द मेन फोकस विल, बताइए क्या आंसर दोगे इसका, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, ठीक है ना। हेलो बेटा, चलिए कोई नहीं, अब लेट आए तो कोई नहीं, कीजिए, हाँ बेटा, लेकिन 7 बजे या 9 बजे, अब और भी तो देखना पड़ता है, चलो कोई नहीं, देखेंगे अभी तो, देखते हैं बाद में देखेंगे, अभी तो इसी टाइम पर रखते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग रखेंगे, हाँ बायोलॉजी का क्लास बिल्कुल होगा बेटा, ठीक है, 64 का ए, वो कह रहा द शेप, हाँ अगर ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के में के केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, फोकस पर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, और इन्फिनिटी पर कैसी इमेज बनेगी, यहां पर हाईली मैग्निफाइड, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, Highly magnified, ठीक है। इवनिंग में तो होना ही होना बेटा, इवनिंग में तो क्लास होगा ही होगा, ये तो आप लोगों के लिए कराया जा रहा था, नहीं तो मैं आगे मैं भी एक ही टाइम क्लास लूंगा, ये तो आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोगों का सिलेबस पेपर से पहले सारे क्वेश्चन हो जाएं, लेकिन जब आप लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा होगा, फिर हम भी एक टाइम क्लास ही लेंगे, जितना होगा देखी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार आपके पूरे नंबर आए, 25 में से 25 आए, तो चलो देख लेना, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हम बिल्कुल एफर्ट करेंगे, जिसको नहीं पढ़ना तो कोई नहीं। लेकिन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट, कॉनकेव मिरर है बेटा आपका, ठीक है ना, इन चीजों को अंडरलाइन कर लिया, अगर कॉनकेव मिरर होता है एट ए पॉइंट बिटवीन इट्स फोकस
पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, ठीक है ना। ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है बेटा आपका, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहां पर रखा है, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में रखा है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। तो देखिए इमेज कैसी है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इमेज है। इमेज कैसी दिख रही है आपको, ये इन्वर्टेड दिख रही है ना, उल्टी दिख रही है, तो ये कैसी होगी, रियल होगी। तो पहली बात तो वर्चुअल तो होगी नहीं, हटाइए, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर वो पोजीशन भी पूछ ले तो कहां होगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में, बोलोगे बियॉन्ड सी, ठीक है। हाँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है बेटा गुलाब, कराऊंगा मैं, कराऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन ना ले, मेरे भरोसे है तो मेरा भरोसा नहीं टूटेगा, कराएंगे आपको। चलिए आगे बताइए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। मिरर कौन सा आपका, कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बेटा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है। आपको बताना है इमेज कैसी बनेगी, बताइए। हाँ रिशु यादव बेटा, होती है मैम की क्लास होती है, कल हुई थी बायोलॉजी की क्लास, इसी चैनल पर आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर एक्चुअली क्या ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, तो इस चक्कर में ऐसा हो रहा, थोड़े दिन में बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर क्लास होंगी। जैसे अभी तो क्लास चली रही है हमारी, क्लास दो टाइमिंग चलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कम अलग अलग होके, ठीक है ना, कभी फिजिक्स की कभी केमिस्ट्री की कभी बायो की, दिन में मतलब दो क्लास होंगी, या तो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस तरीके से, या जो चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। बताइए आंसर क्या होगा। रितु ने कहा सी, सुजीत ने सी, चलो सी ही कह रहे हो। अब की बार ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, तो इमेज कहां पर बननी है आपकी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। और ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाएगा। रियल तो होगी ही नहीं, कैसी बनेगी, वर्चुअल और स्मॉल, एनलार्ज बनाने का तो इसका काम ही नहीं है, तो ये क्या होगी, वर्चुअल एंड स्मॉल। क्लास के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बेटा टेलीग्राम का, उसको फॉलो कर लीजिए, मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे चैप्टर पूरा हुआ तब मिलेगी, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था, आप लोगों को पीडीएफ मिल गई थी, ये कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आंसर आप लिखते रहिए हमेशा, जैसे 67 जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर लिखते रहिए आप लोग। रिवाइज कैसे करना ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार यहाँ हो गया, अब इसको दोबारा नहीं देखना है, दोबारा नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, एक बार क्लास देखी, आंसर लिख लिए, समझ आ गया, उसके बाद जैसे चैप्टर पूरा होता है आपको ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को ओपन कीजिए, अपने जल्दी जल्दी से उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसको आधा घंटे में लगा दीजिए सारी चीजों को, ठीक है ना, सारी चीजों को आधा घंटे में लगा दीजिए, कितने भी क्वेश्चन हो स्पीड में, 100 क्वेश्चन तो आधा घंटे में आराम से हो ही जाएंगे जल्दी जल्दी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आंसर लिखने हैं, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर है, और जो मैंने आंसर बताए फिर उसको आप मैच करोगे, आप देखोगे आपका स्कोर क्या है, ठीक है। वेलकम बेटा गुलाब, मोती का रासायनिक नमक क्या है, ऐसा ऐसे मोती का, कौन से मोती का, मोती के बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, मतलब कोई स्टोन है, आप प्रॉपर क्वेश्चन बताइए। अच्छा इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, अब की बार उसने फोकस एंड पोल पे रख, फोकस और पोल के बीच में रखा है, किस केस में, कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है, तो कहां रखा उसने, फोकस, ये आपका कॉनकेव मिरर है, उसने जो ऑब्जेक्ट को रखा है ये हो गया पोल और ये हो गया फोकस, कहां रखा है, यहां पर रखा, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बताना है इमेज कहां बनेगी। हाँ जी क्या आंसर होगा, बी, थैंक यू बेटा प्रशांत, उस बैच में तो बेटा मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई होगी। नहीं पीडीएफ में आंसर की नहीं होगी, आंसर आपको यहीं से करना है, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो ये जो इमेज बनेगी बेटा इसकी इमेज यहां पर बनती है, ठीक है ना, अगर आपका कॉनकेव मिरर तो इमेज यहां पर बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो देखिए इनकम्प्लीट नहीं, वर्चुअल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, रियल, तो बेस्ट आंसर क्या दोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या आपको रियल और वर्चुअल बताना है, तो आंसर क्या दोगे आप, ऑप्शन बी, क्या आंसर दोगे, ऑप्शन बी। चलिए द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज, क्या होती है बेटा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, अभी क्वेश्चन भी किया था,
कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। देखो याद करने का तरीका क्या, बिल्कुल भी रटना नहीं है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस कहाँ होता है? यहां पर होता है, ठीक है ना। इसका फोकस इस तरफ होता है, तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है ना। इसका फोकस कहाँ होता है बेटा? यहां होता है, तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई। अब जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, वो यहां से इस पोल से मेजर करोगे, इस पोल से मेजर करोगे, तो आप यहां से पोल में क्या जा रहे हो? लेफ्ट में जा रहे हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और यहां पोल से राइट में जा रहे हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की, ये कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी। और जो कॉन्वेक्स होगा, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है इसकी कॉन्वेक्स मिरर की पूछ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा आपका? ये वाला कौन सा हो गया आपका? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगी हमेशा? मिरर, ये भी ध्यान रखना है, मिरर, ठीक है ना। और ये है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की नेगेटिव होगी, उत्तल की क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव, ऑप्शन सी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, When an object is placed at infinity in front of a concave mirror, अब की बार मिरर कौन सा बेटा? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? कोई भी हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है ना। चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है। सर आपसे कॉन्टेक्ट कैसे होगा बेटा? कल एक नंबर दिया था ना आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू बेटा कृतिका, ठीक है ना। टेलीग्राम, टेलीग्राम पर कांटेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ टाइम बाद में अपना नंबर दे दूंगा, नंबर में जब दूंगा, जब आप लोग वीडियोस को शेयर करोगे, ठीक है ना, तब बात करेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते जिस भी ग्रुप में है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बेटा। उस कैल्शियम कार्बोनेट था ऑप्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट था एक्चुअली में, वो आपको सीशेल के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या थे, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। चलिए, हाँ जी, ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी केस में, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है बेटा? फोकस पर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉनवेक्स हो, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? हमेशा फोकस पर बनेगी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, When an object is placed outside the center of curvature of a concave mirror, the image will form, बताइए क्या आंसर होगा? बताइए। ओके, चलो बेटा शेयर करते तो अच्छी बात है, कीजिए। बेटा फ्री होंगे तब रिप्लाई करते हैं, सबके नहीं होते, कुछ के तो रिप्लाई मिलते ही हैं। बताइए, चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? डी। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया बेटा? आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये आपका फोकस हो गया, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ऑब्जेक्ट को यहां पर कहीं पर रखा गया, आपको बियॉन्ड सी रखा गया, तो इमेज कहां बनेगी बेटा? सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। तो वो पूछ रहा था इमेज विल बी अपार्ट फ्रॉम सी, नहीं बेटा, इन सी, सी पर नहीं बनेगी, ऑन फोकस पर भी नहीं बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, डेंटिस्ट यूज ए कॉनकेव मिरर बिकॉज द इमेज बिल्ट ऑन इट इज, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर जानना है। देखो ये आपको थ्योरी में पढ़ाया ही नहीं गया होगा, आपको ये तो पता है, लेकिन ऑप्शंस को देखना। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बार पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कुछ इमेज का कैसे पता? थ्योरी में नहीं बता रखा बेटा, थ्योरी में नहीं बता रखा।
चलिए कोई नहीं, मैं वीडियोस बना दूंगा अलग अलग। राहुल ने कहा ए, रितु ने कहा ए, मोनू ने कहा डी। मतलब रियल एंड लार्ज, ये तो पता है कि इमेज क्या बनेगी, डेंटिस्ट लार्ज बननी है। अब दिक्कत फंस गई कि ये रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं, लॉजिक बताओगे ऐसा क्यों होता है, डी पर ही क्यों, ए पर ही क्यों? डी या कुछ कह रहे हैं, डी कुछ कह रहे हैं, ए बराबर का टक्कर चल रहा है। अब मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा जो डी दे रहा है उसका रीजन क्या, और जो ए दे रहा है उसका रीजन क्या है? अब डी या ए में से एक है, डी होगा या ए होगा, आप ये बताइए। देखो अब सुनिए बेटा, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये होता है फोकस, ठीक है ना, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पैरेलल रेज आएंगी तो ये कहां पर मीट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस पर, फोकस पर मीट करती है, ठीक है। तो जो अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया कहीं पर, पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तो तब भी इमेज बड़ी बनेगी, तब भी इमेज बड़ी बनेगी, ठीक है ना। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो फोकस पर, अच्छा ऑब्जेक्ट को अगर आपने फोकस पर रख दिया, ये तो कन्वर्ज होती है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, आप सुनिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो इमेज कहां बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पर बनेगी, तो अभी भी कैसी बनेगी बेटा, वो लार्ज बनेगी। तो जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो दोनों केस में लार्ज इमेज बनाता है, ठीक है ना, लार्ज दोनों केस में वो लार्ज इमेज बनाएगा। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा तब भी लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये O1 है तो ये I1 है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा O2 है तो ये I2 है, तो दोनों केस में इमेज जो है वो लार्ज बनती है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो हम जो आपका डेंटिस्ट जो होता है, जो फोरहेड पर जो मिरर यूज करता है, ठीक है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी उन, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है बेसिकली। इस ये मिरर कौन सा होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है ना। ये कैसा मिरर होता है बेसिकली, इसका काम क्या है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्ज कराएगा। और जब ये रेज को कन्वर्ज कहां पर कराता है बेटा, फोकस पर कराता है। जो आपका ये मिरर है कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये क्या करेगा, किस पॉइंट पर कन्वर्ज कराता है बेटा, फोकस पर कन्वर्ज कराता है, ठीक है ना। और जो टीथ की जो पोजीशन होती है, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, जो मिरर लगा होता है तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर होगा वो टीथ के पास जाएगा, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से होता है कि जो टीथ होगा वो आपका फोकस पर आ जाएगा, टीथ की पोजीशन क्या होगी, फोकस पर आएगी। जब उसकी प्रॉब्लम को चेक करता है तो उस केस में क्या होता है, टीथ जो होगा वो कहां पर आएगा बेटा, फोकस पर होता है। टीथ इस केस में किस पोजीशन पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है। और अगर वो फोकस पर रखा जाएगा तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, कैसी होगी, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड होगी तो ये कैसी होगी बेटा, रियल होगी। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ये वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ चीजें आप थ्योरी में नहीं पढ़ते। बताइए मजा आया या नहीं, देख लीजिए। अब जिसका ए था या डी था, लॉजिक तो पता नहीं होगा, याद कर रखा होगा। हाँ, सी और एफ के बीच में रखेंगे तब भी लार्ज बनेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेटिंग होती कैसे, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर तो इमेज को कहां कन्वर्ज कराएगा, फोकस पर कन्वर्ज कराएगा। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, अगर आपको बड़ी इमेज देखनी है तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहां होता है, जब भी इसको यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां सेट करनी चाहिए, फोकस पर सेट करनी चाहिए, तभी वो इसका यूज होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, इस पर तो लाइक बनता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने ए दिया था किसी ने डी दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर ए आंसर आया तो क्यों आया, डी आया तो क्यों आया, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से जो हेडलाइट्स होते हैं बेटा, उसमें भी क्या होता है, मिरर को ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है। हेडलाइट जो होती है उसका जो
चलिए, ये गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है बेटा, उसमें भी तो कौन कैमरा होता है, उसमें बल्ब लगा होता है ना। गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है उसमें भी तो बल्ब लगा होता है। बल्ब को कौन से पोजीशन पर रखा जाता है? फोकस पर रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, व्हाट इज द मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, आई टॉपिक भी करा देंगे। पहले बेटा क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, अभी मैंने बताया था क्या आंसर होगा। अगर इसके ऑप्शन में छेड़खानी कर देना, बहुत बढ़िया ऑप्शन बनते हैं। यहाँ तो ये क्वेश्चन इजी है, अगर मैं इस ऑप्शन में थोड़ी सी छेड़खानी कर दूं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। वो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा फंडे इसके, ठीक है। चलिए, इस स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बेटा इसलिए कह रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, पेपर आपका इन्हीं में से मिल जाएगा। आप देख रहे हो कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। हाँ बेटा गुलाब, चलिए। इस स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड में कर्व्ड होगा तो वो कौन सा होगा बेटा? कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा होगा? कॉनकेव। क्लास में याद हो जाएंगे आपको, बाद में रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो आंसर है आपको वैसे डायरेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वेयर विल इट्स रिफ्लेक्शन अकर। इसका रिफ्लेक्शन कहां पर होगा? अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ये तो सबको आता होगा। बताइए, ये तो सबको आता होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वेयर विल इट्स रिफ्लेक्शन अकर। इसका रिफ्लेक्शन कहां पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर पूरा कराने वाला था अभी, ठीक है ना, लेकिन आधे बच्चों का इंटरेस्ट कम हो गया, तो शाम को देखेंगे अब इसका बाकी बचा होगा। अभी चलते, अभी तो करते हैं इसको हम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कॉनकेव मिरर। आपको बताना है इनमें से किसमें कॉनकेव मिरर यूज नहीं होता, बताइए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कॉनकेव मिरर, इनमें से किस में कॉनकेव मिरर का यूज नहीं होता, ये आपको बताना है। देखिए, सर्च लाइट में कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव होता है। सोलर फर्नेस में कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। रियर व्यू में कौन सा होता है बेटा? कॉनवेक्स होता है। कार के हेडलाइट में कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। उसने ही पूछा इनमें से किस में कॉनकेव यूज नहीं होता, तो रियर व्यू मिरर में। इसमें कौन सा यूज होता है? कॉनवेक्स यूज होता है। इसमें कौन सा होता है? कॉनवेक्स होता है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए इसको सोल्व कीजिए। ए कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सन इन सच ए वे दैट द रेज ऑफ द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 5 मीटर अवे ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द मिरर। वो कह रहा है कॉनकेव मिरर को सन के सामने, सूर्य के सामने इस तरीके से रखा गया है कि ये जो मिरर होता है ये सन रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, बस ये बता दीजिए। मेन एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो ये कहां होगा, इसको क्या बोलोगे? हाँ, ये क्या होगा? फोकस। यानी कि उसका जो फोकस दे रखा है वो 5 मीटर दे रखा है। ये खास बात है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो यानी कि उसका फोकस जो है पोल से वो कितना है? 5 मीटर। यानी कि ये इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, ठीक है ना। ये है इस क्वेश्चन की खास बात। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आधे बच्चों को तो ये नहीं पता चलेगा ये है क्या। चलिए बेटा बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखो चीज देखना, यहां पर ऑप्शन ये दे रखे मीटर में, ऑप्शन है सेंटीमीटर में, कोई नहीं देख लेंगे वो तो, जब भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। आंसर बताइए। बेटा सीटेट वाली तो करवा दी मैंने प्रैक्टिस पहले ही। हाँ जी सोल्व कीजिए इसको जल्दी, क्या आंसर आएगा। इंतजार रहेगा बेटा परेशान बिल्कुल। चलिए सोल्व करें। आंसर आया किसी का? संदीप का आया सी। बेटा सब हर मैं हर लेवल के पढ़ाता हूँ बेटा, अमर हर लेवल के पढ़ाते, नहीं हो रहा चलिए मैं करता हूँ। देखिए अब वो कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है इसको प्लेस किया गया है सन के सामने, तो ये रेजो कन्वर्ज कर रहा है 5 मीटर पर, यानी कि इसका मतलब पता है कौन सा मिरर दे रखा है उसने? कॉनकेव मिरर दे रखा है, या ये कॉनकेव मिरर दे रखा है, और ये कहां पर कन्वर्ज करा रहा है? ये मेन एक्सिस हो गया, यहां पर कन्वर्ज करा रहा है, ये हो गया आपका फोकस, ये कितना हो गया आपका 5 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गई इसकी 5 मीटर। अब ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ये आ गई इसकी फोकल लेंथ 5 मीटर, ठीक है ना। नाउ इफ ए कैंडल 3 मीटर लॉन्ग, कैंडल की हाइट दे रखी है बेटा और उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द मिरर हाउ फार विल द इमेज ऑफ द कैंडल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है ना। वो पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस, हाउ फार, हाइट नहीं पूछ रहा, तो इसका अभी कोई यूज नहीं है 3 मीटर का, ठीक है ना। तो यहां से आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f = 1/v + 1/u, ये आ गया -5, v आपको निकालना है, u 1/-10, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1/v की वैल्यू 1/10, ये माइनस था, इधर अगर प्लस हो जाएगा -1/5, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम 10, ये 1, ये कितना आएगा -2, ये कितना आ गया -1/10, यानी कि v कितना आ गया बेटा -10, इमेज डिस्टेंस क्या आ गया -10। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? सी पर रखा है। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? सी पर रखा है, तो इमेज इमेज भी कहां पर बनेगी? सी पर ही बनेगी। देखो फोकस इसका 5 मीटर पर है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट कहां पर है? 10 मीटर पर रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10 मीटर पर। यहीं से देखो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके यहां से भी बन जाते हैं अगर इसमें, लेकिन इसमें पूछा कुछ और है। अगर वो इसमें पूछ लेता कि इमेज की जो हाइट है वो कितनी होगी, अगर 3 मीटर की थी तो वो हाइट इमेज कितने बनेगी? 3 मीटर पर ही। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो किस पर रखा है? यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि जो सन है वो आपका है ना, तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व भी किया करो, ठीक है ना। तो इमेज कहां बनी? 10 सेंटीमीटर पर। सॉरी ये क्या दे रखे हैं? मीटर में दे रखे हैं, कहां में लेके? 10 में। तो बेटा ये सेंटीमीटर नहीं आएंगे, ये बाय मिस्टेक लिखे हुए हैं, ये मीटर कर लीजिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 10 मीटर। इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? 10 मीटर पर बनेगी। हाँ जी ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 डिग्री, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है। आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या वैल्यू होगी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको बताना। एक बात बताइए, वो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दे रखा, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या आंसर आएगा? ये तो बहुत सिंपल है, ये किस पर काम करते हैं? रिफ्लेक्शन फिनोमेना पर काम करते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा,
चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो चाहे प्लेन हो, तो आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, सो दैट द, इसको सोल्व कीजिए आप, क्वेश्चन आपके सामने, इसको सोल्व कीजिए। पीरियोडिक टेबल मैराथन संडे, संडे को होगा, अगर उस दिन बच्चे नहीं आए तो फिर देख लेना, फिर थ्योरी सब आप पर डिपेंड करता है, सबको बता देना। ठीक है ना, जो भी आपके सर्कल में, सबको बताना है आपको कि सतेंद्र सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर संडे को मैराथन होने वाला है पीरियोडिक टेबल का, और इतना जबरदस्त मैराथन होने वाला है कोई भी एग्जामिनर उससे बाहर क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा। वो कीजिए पीरियोडिक टेबल पार, जिंदगी में दोबारा पीरियोडिक टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जितने भी आपके बेसिक डाउट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, मेंडलीफ में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, और क्या कहते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये 1A 1B AB, ये क्या होते हैं आप मॉडर्न में भी देखते होगे, तो ये कहाँ से आए, क्या मैटर है, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। क्लास तो जरूर लेंगे, आप लोग शेयर करना, हाँ शेयर करना है, ठीक है ना, पकड़ पकड़ के लाना है, ठीक है ना। आज शायद तू मेरे से मेरा डाटा यूज कर ले, आज तू देख देखा सतेंद्र सर कैसा पढ़ाते हैं देख, और देखो ये बोलना है, ऐसी पीरियोडिक टेबल आपको किसी के यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। रेलिवेंट की बात करें, ठीक है ना, बताना कि आपको YouTube पर ये वाली कहीं नहीं मिलेंगी, इतनी चीजें ना किसी बुक में मिलेंगी ना YouTube पर मिलेंगी, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं बच जाएगा, एस्पिरेंट इसका आंसर नहीं बताया आप लोगों ने, नमस्कार बेटा सूर्य, इसका आंसर बताइए। डी, चलिए सोल्व करते हैं बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा बेटा, कॉनकेव है बस, हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस आपको बोल रखा है फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम मिरर इज 4 times द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये 4U दे रखा है आपको, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। वो पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा वो निकालना क्या है, U निकालना आपको, U क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। चलिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, अब उसने इमेज की कोई कैरेक्टरिस्टिक तो बताई नहीं, तो इमेज डिस्टेंस तो आप हमेशा नेगेटिव में लोगे, तो 1 by f = 1 by v + 1 by u, ये होता है, ठीक है ना। तो देखिए f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो ये -1/10, ठीक है। u v की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, v की वैल्यू कितनी, ये देखिए आंसर अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, v की वैल्यू क्या दे रखी है, 4u दे रखी है, ठीक है ना, कितनी दे रखिए, 4u दे रखी है +1/u, इसको सोल्व करोगे ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये u है, तो एलसीएम इसका 4u आएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4 1 + 4 / 4u, तो ये कितना आ गया, 5/4u, इसको सोल्व करोगे बेटा, तो u किसके, देखिए ये आ गया हमारे पास -1/10 = 5/4u, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, -5 × 10/4, ये 2, ये 5, ये कितना आ गया, -12.5, ठीक है ना, किस में आ गए, किस में दे रखा है, वो सेंटीमीटर में, तो देख रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने आप नेगेटिव में आ गया, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, अपने आप बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये किसी टीचर के नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब उन्होंने अपने बुक में वो क्वेश्चन एज इट इज छाप रखे हैं, ठीक है ना, तो यशवंत बेटा थोड़ा सा समझदार बने, ठीक है ना, ये हम, मैंने आज तक उनकी बुक भी नहीं देखी है, सीरियसली बताएं, ठीक है ना, मैंने आज तक उनकी बुक भी नहीं देखी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम्स के, ठीक है, ये किसी टीचर के क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है, किसी को डाउट आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन।
बस 40 तक करेंगे, इज ऑल्सो ए डाइवर्जिंग मिरर। बेटा ये काम आएगी अंकुश, बेटा दिल्ली पुलिस के लिए करवा, ये जो करवा रहे हैं ये हर एग्जाम में काम आएगी। इसमें देख रहे हो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ ये सुन बेटा, ये सीरियल से मेरा उन्होंने उन्होंने बुक उठाकर ऐसे कॉपी कर दी तो क्या पता, ठीक है ना। अब कॉपी किसने की, मेरे पास जो बुक आई है उसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो कॉपी किसने की है वो जाने, अब मुझे उस चीज का नहीं पता, ठीक है ना। मार्केट से बुक खरीदी थी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उस बुक से हमने क्वेश्चन टाइप कराए, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। क्या आंसर होगा, इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। ओके बेटा हैरी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बताइए। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 6.2 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हालांकि नेगेटिव होनी चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस आर बाई टू, ठीक है ना। तो माइनस 6/2/2 तो कितना जाएगा, -3.1 सेंटीमीटर। अब उसने मैग्नीट्यूड दे रखा तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, अब शाम को क्लास होगी आज हमारी, शाम को 8 से 9, ठीक है ना, 8 से 9, 8 से 9:15 कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। और कल फिर से होगी 11 से 12, ठीक है ना। कल कल मॉर्निंग तक ये चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग इसको शेयर करें बेटा, ठीक है ना, जितना मैक्सिमम हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके, ठीक है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ठीक है बेटा गुल्ला, पहले आप पढ़ लीजिए फिर बाद में मैं आपको नंबर दे दूंगा, अभी अभी रुक जाइए, नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। शाम को बेटा 8 से 9, शाम को 8 से 9, देखो हमारी टाइमिंग ये रहती है। इवनिंग में होगी 8 to 9 और मॉर्निंग में होगी 11 to 12, ये मॉर्निंग की टाइमिंग है, ठीक है ना। और संडे की टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, वो कैसे पता चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो वहां पर उसका लिंक शेयर होगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, वहां पर लिंक शेयर हो जाएगा तो आप लोग सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए बेटा तो आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं। अब हमारी शाम को क्लास होगी इवनिंग में 8 to 9, ठीक है ना, 8 to 9, ठीक है बच्चों। कोर्स के बारे में, ये तो फ्री कोर्स है बेटा, इन्फॉर्मेशन तो मैंने सारी आपको दे रखी है अनाउंसमेंट में, अगर फिर भी कुछ दिक्कत रह जाती है तो कोई नहीं, अभी क्लास कर लीजिए, ठीक है ना। संडे को देखेंगे, संडे की मैराथन के बाद बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, बेटा टेलीग्राम पर ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं 8 बजे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।